रेडी फॉर द मेहंदी फंक्शन ऑफ नेहा लक्ष्मी और हम जा रहे हैं हम नहीं एक्चुअली सिर्फ मैं जा रही हूँ वहाँ पे आज सिर्फ लड़कियों का फंक्शन है एंड दिस व्हाट आई एम वेयरिंग इट्स गोना बी सुपर फन मैंने बहुत देर बाद बिंदी लगाई है सो लेट्स सी आज स्पेशल है काफ़ी मेहंदी लगने वाली है उसको एंड सुपर एक्साइटेड फॉर हर दोनों कल इतने क्यूट लग रहे थे संगीत में मतलब नज़र ना लगे दे आर जस्ट मेड फॉर ईच अदर सो ऐसे बन जाती है मिल जाती है जोड़ियाँ एंड यू मीट समवन ऑन द वे हूज जस्ट एज गुड एज यू आर एंड कॉम्प्लीमेंट्स योर एनर्जी सो यस आई एम वेरी एक्साइटेड लिपस्टिक में लगाई है मैंने अभी ओ मुझे कॉफ़ी लेनी थी नेहा के लिए वैसे वो पीती नहीं है बट आई रियली वॉन्ट टेक सम कॉफ़ी फॉर हर हाँ ले ली तुमने कॉफी मैंने अपने लिए नहीं ली ये लुक नाइस यहाँ के लिए भी ली है यहाँ सब घूर रहे थे ऐसे जैसे मैंने बहुत ज्यादा मेकअप कर लिया हो नहीं ये लुक प्रिटी जलते हैं लोग जलते हैं सी यू इन द इवनिंग बाय बताती हूँ Where is the bride is getting ready. Hi, please मेरा आईब्रो ब्रश ढूंढ के देना. I got some coffee for you. Hi, thank you. इन्होंने मेरे earrings reject कर दिए. मुझे स्टारबक्स में देख के उन्हें लगा इतना मेकअप लगा के कौन आ गया प्लीज ब्राइड देखिए जो खुद अपना मेकअप करती है दैट्स लाइक कमेंडेबल कैसे इतना टैलेंट कैसे है लोगों में यार गलती से आ गया गलती से हाय गाइस हम नेहा के घर पहुंचे मेहंदी वाला दिन है और ये देखो उसकी फ्रेंड्स और भाई मिलके डेकोरेशन किया उन्होंने इतना अच्छा बैकग्राउंड बनाया बट हेयर बैंड हो गया ना मेरा सर दुखता है लेकिन हाँ नहीं हेयर बैंड हो गया नहीं हेयर बैंड दिखेगा नहीं चपट अच्छे लग रहे हैं इसके ऊपर ये देख के अच्छे देखते हैं क्योंकि बाकी किसी में चपट नहीं होंगे रेडी होने जा रही है मतलब इतना टाइम लगता नहीं है रेडी होने को पर उनको समझ ही नहीं आ रहा मैं ऐसे श्रेनू लिफ्ट में फंस गई थी उससे पहले मैं भी फंसी थी थोड़ा नहीं मेरे साथ भी तो हुआ बट पैनिक मुझे भी हुआ मैंने भी ऐसे सावन को बुलाया था हम लोग को तो आता था हम लोग बचपन में क्या करते थे बंदी लिफ्ट में फंस गई थी जंप करते थे लिफ्ट में फंस गई मैं भी लिफ्ट में फंस गई बट वी मेड इट सेफली टाइम ट्रैवल टाइम ट्रैवल इसमें पहुंच जाएंगे ऐसे टाइम ट्रैवल करके आए हैं चल हो जाओ अंकल आप भी रेडी हो जाओ हाँ प्लीज मैं तो शॉर्ट्स नहीं पहने ना तो शॉर्ट्स पहन के घूम रहे होते आप अभी तक चलो अभी दिस इज द डेकोरेटर She is my best friend since best friend. School. I know. And we were like babies. and but what beautiful decoration, yeah. Totally dependent on wow. Me. Wow. This is yeah, so oh, pretty. Wow, it's looking so nice. Yeah, talent hai yaar. These are the wedding planners. Achha. Okay. Hi. Hi. Guys, अच्छे से करना सब काम. अच्छे से लगा लिया? अच्छे से करो. हाँ, bride अच्छे से लगा लो सब. The stage is set. Very nice. चलो शुरू करो अंताक्षिणी तू स्ट्रेस मत ले अपना स्ट्रेस ले बस पैरों में लगवाओगे सो उसके बाद हमने टेस्टी टेस्टी खाना खाया सो दैट उसके बाद हम भी मेहंदी लगवा सके She's my little princess. So yes. Oh, she's everyone's little princess. Ah, hum sabki princess. Yes. Please have. I'm waiting. Kya aayega? Mera bhi take. Aunty aap aapko main khila dunga. Nahi? Aap khaoge? Nahi. Nahi aap khaiye. Thank you. बहुत बड़ा है थैंक यू गिफ्टेड मी दीज बैंगल्स थैंक यू सो स्वीट यू आर
नेहा की मेहंदी काफी सुंदर बनाई थी चार्मी और प्रियंका ने, यह है चार्मी। ओ ये देखो समोसे, थकी नहीं तू बैठे बैठे भाई। मेहंदी वाला घर है और आंखों में आंसू ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये नेहा के सब मामा है एंड दे गॉट वेरी इमोशनल। खुशी के वक्त में भगवान को याद करना ही चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम दुख के वक्त में करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं रुद्रेश जो दूल्हे राजा की एंट्री हो गई है, अब तो बस नेहा को और कोई नहीं चाहिए, ये दोनों आपस में बिजी रहेंगे। आप सबको याद होगा ना कि कल एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें रुद्रेश ने बोला था कि आर्सेनल क्लब फॉलो करेगी वो हमेशा, ये नेहा की लिस्ट है। जी हाँ, और ये रुद्रेश को साइन करनी ही पड़ी। ये गाना सुन के रुद्रेश को काफी हंसी आई क्योंकि ये आंटी की कमेंट सुनो। लोकल है मेरा। फिर फोटो सेशन तो होगा ही ना भाइयों का, और बाल ठीक ना करे फोटो सेशन से पहले। उसके बाद सागर ने फूल दिया सब। एक फूल को फूल दे रहा हूं मैं। क्या मैंने कहा सागर एक फूल दे दो, सबको दे रहे हो? सो स्वीट ऑफ रुद्रेश। ओह वाओ मेरा वाला भी आ गया। हाय कमल। चार्मी नाम है इसका। मांगती रहेगी, ये पीछे लगा रही है। मैंने इसको बोला मेरे पीछे नहीं चढ़ती है मेहंदी, मतलब पीछे वाले हाथ में। ये कौन आया? हाँ जी, क्या चैलेंज है आपका? 100% कलर आएगा। और अगर आ गया तो मैं आपकी परमानेंट हो जाऊंगी। परमानेंट बुकिंग हो जाएगी इनकी। लड़की देखते हैं पीछे कलर चढ़ता है कि नहीं। चार्मी को चैलेंज मिला है। जीजा जी खिलाएंगे मेरी तरफ से। बेचारी ग्रूम की भी कोई फोटो चले जाए। कैंडिड पिक्स लेने की कोशिश। सुबह सुबह एक्सरसाइज भी करते पार्क में। देखो इसी ने आइडिया दिया। मुझे पता है इसका खुद से तो नहीं आती, आइडिया आया होगा। नाइस। आंटी आपकी मेहंदी कि कजन सब ने अपनी होने वाले जीजू के साथ फोटो खिंचवाई एंड कपल को मजा आ रहा था डांस करने में। ये मैंने याद दिलाया था इनको पीछे लगानी है मेहंदी। And who is this? This is a khasa. फिर दोनों को हमने केक खिलाया, ऐसा लगा था जैसे दोनों का हैप्पी बर्थडे, बट हैप्पी बर्थडे नहीं है गाइस। मेहंदी का केक काटा था रात के 9:30 आई थिंक 10 बज रहे थे और आई थिंक दोनों को बहुत भूख लग रही थी। सारा का सारा केक ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गया। हेलो हाय। Guess the name. Gurfateh Singh. Nice. So cute. Hi girl. और ये लास्ट शॉट के साथ हमने मेहंदी की करी एंडिंग जिसमें हम सब ने मिलके फूल दिए। कहाँ जा रहे हैं अपन? वापस घर जा रहे हैं यार। ऐसे उबासियां मारते हो? अच्छा ये अच्छा फेस लाइट डाल रही हो तुम? ऑफ कोर्स दिखे तो फिर लाइट में दिखे। मैं मेहंदी वाले हाथों से गाड़ी चला रही हूँ। आई ऑफर्ड दैट आई विल ड्राइव बट नहीं मैं तुम्हारी फॉल्ट कह ही नहीं रही, मैं अपना दिखा रही हूँ कि मैं मेहंदी वाले। हाय गाइस,
तो आज का व्लॉग कैसा लगा आपको? और क्या बोलूं? हाय हाय, आपको व्लॉग कैसा लगा आज का? नहीं नहीं, सेम चीज। थैंक यू। अरे यार, मेहंदी अभी खत्म हो गया और अब हम जल्दी से जाके कल हल्दी की तैयारी करेंगे। मेरे आउटफिट्स भी रेडी नहीं है। सो आई नो व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, बट आई होप आप सबको पसंद आया हो। और पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, अब तो बहुत बार मैंने बोल दिया, मतलब लिटरली, तो कर दो। एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग एंड थैंक यू फॉर एंजॉयिंग द वे आई मेक द कॉन्टेंट एंड थैंक यू कपिल फॉर जस्ट बीइंग देयर ऑल द टाइम। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। वे रेड लाइट है भाई। ओके, बाय 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 बाय।